नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बिल को लेकर किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच राकेश टिकैत के आंसुओं के बदले पूरे देश में सैलाब आ गया। जवान क्या, बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की जिद करने लगे। परिवार की जिद के आगे खुद टिकैत गुट के 60 वर्षीय संगठन मंत्री नतमस्तक हो गए और बच्चों सहित जा पहुंचे टिकैत के धरना स्थल। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास क्षेत्र का है, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा किसान बिल वापसी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं बीते दिनों टिकैत गुट के संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा धरना स्थल पर स्वास्थ्य बिगड़ने पर वो अपने घर लौट आए थे, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत के द्वारा मीडिया के सामने रोया गया, तभी टिकैत गुट के संगठन मंत्री बच्चों से दिल्ली जाने की कहने लगे। वहीं पूरा परिवार भी दिल्ली जाने की जिद करने लगा। संगठन मंत्री खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ राकेश टिकैत के धरना स्थल पर जा पहुंचे। वहीं टिकैत के द्वारा 60 वर्षीय संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा को अपने गले लगाया गया। वहीं जब दो दिन बाद उनके द्वारा संगठन मंत्री की पत्नी को धरने पर परेशानी हुई, तो राकेश टिकैत के द्वारा संगठन मंत्री की पत्नी और बच्चों को घर वापस भेज दिया गया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान बच्चों और संगठन मंत्री की पत्नी में गजब का उत्साह देखने को मिला। उनके द्वारा कहा गया, आंदोलन काफी अच्छा चल रहा है, जल्द ही किसानों की जीत होगी, काला कानून वापस होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजमोहन शर्मा। वहाँ किस तरह की भीड़ है और आप यहाँ वापस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भीड़ के बारे में? भीड़ बहुत है वहाँ, 1.5 लाख आदमी की भीड़ है। पूरी व्यवस्था है किसानों के लिए, किसान हट नहीं रहे। या तो बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, किसान अड़े रहेंगे 24 तक। जैसे अब आप वहाँ आए हैं, माहौल क्या है वहाँ का? वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी किसानों की संख्या है वहाँ पर? वहाँ 1.5-2 लाख किसान हैं ज्यादातर। तो प्रशासन का किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है? प्रशासन वहाँ कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है प्रशासन, हमारा बिल्कुल प्रशासन नहीं है। जैसे आप वहाँ पर वापस आए हैं, क्या बात रही जो आप वहाँ से लौट आए? आज हम लौट आए कटक के सामने, मतलब जो है वहाँ हमारे भाई साहब को रख लिया, बुद्ध प्रसाद शर्मा को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है, और हमको उन्होंने बोल दिया कि आप जो है जाइए और घर पर रहिए, सभी मतलब यहाँ बहुत किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से इगलास का रहने वाला हूँ। आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए, ये तो जातिवाद पर चले गए, लेकिन सबसे पहले हम ही लोग पहुँचे, और हरियाणा के हमसे पहले हरियाणा के लोग भी पहुँचे। राकेश टिकैत की अरेस्टिंग होने वाली थी, राकेश टिकैत ने अपनी अरेस्टिंग के लिए भी बोल दिया कि मैं अपनी अरेस्टिंग देने वाला हूँ, लेकिन वहाँ 150 किसान थे और 2000 फोर्स लगा रखी थी, लेकिन केंद्र सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ जोड़ के ये मेरा निवेदन है, किसानों के लिए MSP कानून गारंटी लागू करें। हालांकि राकेश टिकैत भी अभी तक कोई संगठन नहीं मानता था, और हमने ये बात जाके कही हुआ, हमने कहा किस तरह का माहौल है वहाँ, और क्या कहना चाहेंगे उस माहौल के बारे में? माहौल ये ऐसा हुआ पत्रकार साहब, माहौल वहाँ का ही है जिस समय सरकार के पैर कांप रहे हैं। कितनी वहाँ किसानों की भीड़ है? किसानों की भीड़ 1 लाख लगभग 1.5-2 लाख भीड़ पहुँच चुकी है वहाँ। अब फोर जैसे किसानों को हटाना चाह रही थी, अब किस तरह की मंशा है प्रशासन? कोई मतलब ही नहीं साहब, अब किसानों को हटाने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता साहब। काफी भीड़ है वहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ है।